हे फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू किड्स? वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आप सब सुरक्षित होंगे अपने घर पे। अब देखिए, यहाँ पे इन लास्ट वीडियो आई इंट्रोड्यूस टू यू योर मैथ्स बुक। मैंने आपकी मैथ्स बुक से आपको परिचित करवाया था, एंड जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, ओके, उसका जो पार्ट वन है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। मीन्स हम बिग स्मॉल कैसे करते हैं, बिग स्मॉल कैसे मेज़र करते हैं, हैवी लाइट कैसे मेज़र करते हैं, टॉल शॉर्ट कैसे मेज़र करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट कैसे मेज़र करते हैं, तो वो सारा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ तक मैंने आपको आपकी एक्टिविटी करवा दी थी, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ जो है वो समझ में आ गया हो। सो हियर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, जो उस चैप्टर का, ये चैप्टर फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, मोर एंड लेस। मोर मीन्स क्या होता है, मोर मीन्स होता है ज़्यादा, आप सबको पता होगा। मोर मीन्स ज़्यादा एंड लेस मीन्स कम। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम। अब देखिए यहाँ पे, टेक राइट द कंटेनर विच हैज़ मोर लिक्विड। मीन्स यहाँ पे देखिए जो कंटेनर्स हैं ये सारे, ओके, उसमें आपको देखना है कि किस में लिक्विड ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ईजी है, मैं आपको दो या तीन एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, बाकी के आपको खुद से करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये दो कंटेनर है, उसमें किस में ज़्यादा लिक्विड है, मोर किस में है, इसमें मोर है, इसमें लेस है, तो ऑब्वियसली इसमें टिक आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कप है, उसमें है ना, दो में देखिए किस में ज़्यादा लिक्विड है, इसमें ज़्यादा लिक्विड है, ये दो देखिए जग, इसमें ज़्यादा लिक्विड है, इसमें लेस है, तो हम किस पर टिक करेंगे, इस पर, ओके। बाकी की जो जितने भी एक्टिविटी है वो आपको खुद से करनी है, ओके किड्स। टिक राइट द कंटेनर विच हैज़ द लार्जेस्ट क्वांटिटी एंड क्रॉस विच हैज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन इट। मीन्स देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको जग दिए हुए हैं, ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी का जग पानी है, लिक्विड है, तो उसमें आपको राइट टिक करना है। देखिए ये चार है, इसमें से इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसको आप राइट टिक करेंगे। और फिर इसमें चारों में से किस में कम है, लेस किस में है, उसमें अपने क्रॉस करेंगे, ओके। ये ग्लास देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा चारों में से किस में पानी है, इसमें है, इसमें करेंगे मोर, इसमें है, एंड लेस किस में है, तो इसमें है, तो इस पर करेंगे टिक। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो किड्स, ये भी आपको खुद से करना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए नियर एंड फार। नियर एंड फार मीन्स क्या होता है, नियर मीन्स होता है पास, और फार मीन्स होता है दूर। अब नियर मीन्स देखिए, जैसे जो चीज़ अपने पास होती है, ओके, जैसे कोई बुक है वो आपके पास पड़ी है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, द बुक इज़ नियर टू मी। और जब जो बुक आपसे दूर पड़ी है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फार मीन्स दूर। देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा पता चलेगा, टिक राइट द चिल्ड्रन नियर द हट एंड क्रॉस द वन फार फ्रॉम इट। मीन्स जो एलिफेंट है, देखिए तो हमें क्या करना है, जो हट हट यानी ये झोंपड़ी, उसके पास में जो चिल्ड्रन है मीन्स बच्चे हैं, तो उस पर हमें राइट टिक करना है, और जो उससे दूर है उसे हमें क्रॉस करना है। तो देखिए यहाँ पे जो एलिफेंट की राइड कर रहे हैं वो तो हट से दूर है, मीन्स जो हाथी की सवारी कर रहे हैं वो दूर है, और ये बच्चे हट के पास है, मीन्स नियर है, ये नियर है और ये फार है, तो यहाँ पर अपने राइट टिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सर्कल द चाइल्ड नियर द रैबिट एंड टिक राइट द वन फार फ्रॉम इट। मीन्स आपको क्या करना है, जो रैबिट के पास में चाइल्ड है, मीन्स जो रैबिट के पास में जो बच्चा है, उस पर तो आपको सर्कल करना है, और रैबिट से जो दूर है उससे आपको राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये रिवर को क्रॉस करके यहाँ पे चाइल्ड खड़ा है, और यहाँ पे इसी ये रैबिट के पास में है, तो ये नियर है, ये फार है, तो उस पर आपके सर्कल करोगे, इस पर राइट टिक करोगे। अब ये दोनों देखिए आपको खुद से करना है किड्स, ये आपको होमवर्क है। सर्कल द बॉय फार्थेस्ट फ्रॉम द स्कूल, मीन्स जो बॉय स्कूल से दूर है, लड़का जो दूर है, उस पर आपको सर्कल करना है, तो आपको देखना है कि कौन कौन सा लड़का, इसमें से कौन सा बच्चा स्कूल से दूर है, फा है। सर्कल द चाइल्ड नियरेस्ट टू द वुमेन, मीन्स जो औरत खड़ी, जो लेडी खड़ी है, ओके,
उसके पास नियरेस्ट मीन उसके पास जो बच्चा खड़ा है उसको आपको सर्कल करना है। आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा इस वुमन के पास में है, मीन्स नियर है, तो उस पर आपको सर्कल करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किड्स। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन, पोजीशन मीन्स क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी अपने चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी कुछ भी, मतलब जो होता है, ठीक है, एनिमल है, उसकी पोजीशन बताता है, मीन्स उसकी स्थिति, उसकी जगह बताता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि आप खड़े हो, ओके, जैसे कि आप बेड पे खड़े हो, ठीक है, तो आप कहाँ खड़े हो, आप बेड पे खड़े हो, आप बैठे हो, कहाँ बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो ये आपकी पोजीशन बता रहा है कि आप कहाँ पे हो। जैसे आप ज़मीन पे खड़े हो तो फ्लोर पे खड़े हो, तो वो आपकी पोजीशन बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, ओके। जैसे अभी आप इस वक्त आप कहाँ पे बैठे हो या कहाँ पे खड़े हो, तो ये आपकी पोजीशन शो करता है, मीन्स आपकी स्थिति बताता है कि आप कहाँ पे हो या क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो आप, ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पे अप एंड डाउन, अप मीन्स क्या होता है ऊपर की तरफ, और डाउन मीन्स क्या होता है नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अ बॉय इज गोइंग अप टू द स्टेयर्स, मीन्स स्टेयर्स मीन्स क्या होता है सीढ़ियाँ। देखिए सीढ़ी की ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अप। अ गर्ल इज कमिंग डाउन टू द स्टेयर्स, मीन्स जो लड़की है यहाँ पे देखिए वो डाउन मीन्स नीचे उतर रही है, नीचे की तरफ जा रही है सीढ़ियों से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे डाउन। तो ऊपर की मतलब तरफ मतलब अप एंड नीचे की तरफ मीन्स डाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। जैसे आप स्लाइड करते हो, ठीक है ना, तो आप पार्क में जाते हो तो वहाँ पे आप स्लाइड करते हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे नीचे की तरफ जाते हो तो आप क्या बोलोगे डाउन, और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो अप। आई होप कि आपको समझ में आया, तो इसको अपने हिंदी में क्या बोलेंगे, अप एंड डाउन। अप मीन्स ऊपर की तरफ, डाउन मीन्स नीचे की तरफ। तो ये भी आज का होमवर्क है कि जो भी मैं आपको पोजिशन ये आज पढ़ा रही हूँ वो आपको राइट डाउन करनी है नोटबुक में। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम मीन्स क्या होता है, अब देखिए आप बोलोगे के टॉप मीन्स भी ऊपर होता है, बॉटम मीन्स भी ऊपर होता है, अप मीन्स भी ऊपर होता है, डाउन मीन्स भी ऊपर होता है, बट देखिए अप मीन्स क्या होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कोई अगर इंसान जा रहा है तो उसको बोलेंगे अप, अगर नीचे की तरफ कोई इंसान आ रहा है तो उसको बोलेंगे डाउन, ओके। और टॉप मीन्स क्या होता है ऊंचाई पर, एकदम ऊंचाई पर, मतलब एकदम ऊंचाई पर। जैसे है ना, जैसे आप अपने घर पे नीचे खड़े हो, ठीक है ना, और आप अपनी टेरिस पे खड़े हो, तो आपका जैसे 2 फ्लोर का हाउस है, मीन्स 2 मंजिल आपका अगर घर है, ठीक है ना, तो आप उसकी टेरिस पे खड़े हो तो क्या बोलोगे टॉप, एकदम ऊंचाई पर। जैसे देखो माउंटेन है यहाँ पे, हिल या माउंटेन है, तो यहाँ पे है ऊपर, तो आप क्या बोलोगे टॉप, और यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है नीचे मतलब नीचाई पर, तो उसको क्या बोलेंगे डाउन। टॉप मीन्स तो क्या हो गया ऊंचाई पर, बॉटम मीन्स हो गया डाउन, बॉटम मीन्स हो गया नीचाई पर। देयर इज फॉट ऑन द टॉप ऑफ द हिल, मीन्स हिल जो है पहाड़ी है उसकी ऊपर, टॉप मतलब ऊंचाई पर, फोर्ट है, फोर्ट मीन्स किला, फोर्ट है, और अ मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल, जो मैन है मतलब आदमी है वो बॉटम यानी उसकी नीचाई पर खड़ा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स कि टॉप एंड बॉटम अपने किसे कहते हैं, एकदम ऊंचाई पर और एकदम नीचाई पर। अब देखिए ऑन एंड अंडर, ऑन एंड अंडर का मतलब भी ये होता है कि ऊपर एंड नीचे, बट इसका ये अर्थ होता है कि ऊपर प्रॉपर एंड नीचे प्रॉपर। देखिए यहाँ पे जैसे अ रैट इज ऑन द टेबल एंड अ कैट इज अंडर द टेबल, मीन्स यहाँ पे देखिए जो चूहा है, ओके, वो टेबल के ऊपर है, मीन्स किसी भी चीज़ को टच करके अगर कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे ऊपर। और यहाँ पे देखिए अगर नीचे है, किसी भी चीज़ को नीचे है, चीज़ टच करके पड़ी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम अंडर। जैसे ये चूहा है वो टेबल पे है तो क्या बोलेंगे हम इसको ऑन, और ये कैट नीचे है तो क्या बोलेंगे अंडर, तो ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर। अब यहाँ पे देखिए अबव एंड बिलो, अब यहाँ पे आप ये बोलोगे कि अबव एंड बिलो मीन्स भी ऊपर नीचे होता है, ऑन एंड अंडर मीन्स भी ऊपर नीचे होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है। जैसे कि देखिए अ ब्रीफ केस इज लाइंग अबव अ सूट केस,
अ सूटकेस इज लाइंग बिलो द ब्रीफ केस, मीन्स जो ब्रीफ केस पड़ा है वो सूटकेस के ऊपर है, मीन्स अबो है, और जो सूटकेस है वो ब्रीफ केस के नीचे है, बिलो है, मीन्स अबो एंड बिलो। जैसे किसी भी चीज़ को टच करके तुरंत उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है जी। जैसे देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, आप एक जैसे आपका बैग है ठीक है ना, और उसके ऊपर बुक पड़ी है, ओके, एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं, बैग और बुक एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, उन दोनों में गैप नहीं है ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ऑन एंड अंडर किस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में गैप है। जैसे टेबल का, जैसे देखिए यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही पड़े हैं। अगर ये भी एक दूसरे दोनों एक दूसरे के ऊपर होते तो हम क्या बोलते, अबो एंड बिलो, बट ये देखिए एक दूसरे के एकदम ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, अबो एंड बिलो। यहाँ पे बीच में गैप है और बीच में कोई चीज़ आ जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि आपका बैग है ओके, उसके ऊपर आपकी बुक पड़ी है, तो आप क्या बोलोगे, द बुक इज़ अबोव टू द बैग, और अ बैग इज़ बिलो टू द बुक, मीन्स जो आपका बैग वो बुक के नीचे है और बुक जो है बैग के ऊपर है। उसी जगह पे बीच में टेबल आ गया और बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी होगी तो आप क्या बोलोगे, अ बुक इज़ ऑन द टेबल, और बैग नीचे पड़ा है तो आप क्या बोलोगे, अ बैग इज़ अंडर द टेबल। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब ये देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड, ये तो आप सबको किड्स आता ही होगा। यहाँ पे देखिए इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ, और आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर की तरफ। मदर इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, मीन्स जो औरत है वो घर के अंदर खड़ी है, मीन्स घर के अंदर है। अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस, मीन्स जो लड़का है वो घर के बाहर की तरफ खड़ा है। मीन्स यहाँ पे देखिए मदर जो है, मीन्स औरत है, घर के अंदर खड़ी है, उसकी मम्मी जो है, और लड़का है वो घर के बाहर की तरफ खड़ा है। ये तो अंदर है तो अंदर, अंदर है तो क्या बोलोगे, इन, और बाहर है तो आउट। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। लेफ्ट एंड राइट, अब यहाँ पे देखिए आपको पता होगा लेफ्ट एंड राइट। अ डॉग इज टू द राइट ऑफ द ट्री, मीन्स यहाँ पे देखिए डॉग खड़ा है, वो कहाँ पे खड़ा है, राइट में। ओके, अ कैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ट्री, मीन्स कैट, कैट कहाँ पे खड़ी है, लेफ्ट में। ओके, तो किड्स आपको राइट लेफ्ट में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे आपका हैंड्स होते हैं ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो अपने राइट हैंड से ही लिखते हैं, कुछ लेफ्टी भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ सब अपना जो राइट हैंड से काम करते हैं। तो आपको दोनों हैंड्स में आपको पता लगाना है कि कौन सा आपका राइट हैंड है एंड कौन सा लेफ्ट हैंड है, तो उससे आपको पता चल जाएगा तो राइट है एंड ये लेफ्ट है। ओके किड्स।